सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। लगभग कल से ही स्नानार्थियों की भारी संख्या में भीड़ मेला क्षेत्र में आ रही है। आज 12 बजे से स्नान प्रारंभ हो गया है। 3 बजे तक लगभग 10 लाख स्नानार्थियों द्वारा मेला क्षेत्र में स्नान कर लिया गया है। इन स्नानार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए मेला क्षेत्र 5 सेक्टरों में बसाया गया था। इन 5 सेक्टरों में 12 घाट बनाए गए हैं जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। इन घाटों पर पर्याप्त मात्रा में चेंजिंग रूम, कांसा पुआल, बोरिया लगा करके घाट को सुसज्जित किया गया है। स्नान इस समय सुगम और सुरक्षित चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जी, सेक्टर 5 में संगम लोअर ओल्ड जीटी चौराहे पर किन्नर अखाड़ा के नाम से संस्था लगी हुई है। इस संस्था में लगभग 2:15 से 2:30 बजे के आसपास में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, हमारे अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए आग को बुझा लिया गया है। इस आग में 3 लोगों को झुलसने की सूचना प्राप्त हुई है। इन लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा गंगा हॉस्पिटल में कराते हुए शीघ्र ही उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पे इनका उचित इलाज चल रहा है, अभी कोई चिंता की विषय नहीं है। भैया
रात्रि 12 बजे के बाद से ही स्नान प्रारंभ हो गया। स्नान संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर एक मोटे संख्या के तौर पे 18 से 20 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और बड़ी संख्या में लगातार इस माघ मेले क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और वो स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। सारे सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे जो मेला क्षेत्र है इसमें लगभग 300 से अधिक कैमरे क्रियाशील हैं, AI बेस्ड कैमरे भी क्रियाशील हैं। 24/7 उसका फीड जो है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में लिया जा रहा है। उसमें कुछ अनयूजुअल और कुछ ऐसी चीज नोटिस होती है तो तत्काल हम उस पर उसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन लेके प्रतिक्रिया कर रहे हैं। साथ ही साथ ATS RAF की टीमें, SDRF NDRF की टीमें, महिला पुलिसकर्मी, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस के लोग, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, AS चेक टीम्स सभी क्रियाशील हैं। खोया पाया केंद्र व्यवस्थापित किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम श्रद्धालुओं से संवाद कर रहे हैं और उनको विभिन्न जानकारियां प्रदान कर रहे हैं कि किन पीपे के पुलों से उनको आना है, किन से जाना है, स्नान घाट कहां पर है और पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। ये सारी जानकारियां हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों को दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी स्नान कर रहे हैं लोग, जैसे जैसे दिन निकलेगा भीड़ बढ़ती जाएगी और जी भीड़ लगातार बढ़ रही है और लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और विगत वर्ष लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। जिस प्रकार की संख्या कल से हम लोगों को इस माघ मेले क्षेत्र में श्रद्धालुओं को दिख रही है तो निश्चित तौर पर यह संख्या लाखों और करोड़ों में होगी। Gracias.